जी बिल्कुल, आज मैं आपको अनीमिया या खून की कमी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है इसकी वजूहात, मैंने दो ग्रुप्स में जो है ना जो उसकी वजूहात हैं उनको डिवाइड कर लिया है। तो अब वो दो वजह क्या हैं वो देखते हैं। अच्छा, उसकी दो वजह जो है उनमें सबसे पहली जो वजह है उसमें एक वजह अनीमिया की हो सकती है कि वो खून के जाया होने की वजह से हो रहा है, यानी अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ये कहें कि जीआई की कंडीशन, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हमारा, जो हम खाते हैं, हमें इन्हजाम है, बाज़ औक़ात उसकी खराबियों की वजह से जो है वो खून का जाया हो रहा होता है और की वजह से है। इसमें सबसे पहले देखें जिन लोगों में अल्सर्स होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो अल्सर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो ब्लीड कर रहे होते हैं, यानी उनमें से खून जाया हो रहा होता है और हमारी बॉडी से निकल रहा होता है और हमारे अंदर जो है वो खून की कमी पैदा हो रही होती है। तो पता है जिन लोगों को बवासीर का मसला है, जिसे पायल्स कहते हैं, हेमोराइड्स कहते हैं, अब वो पायल्स और हेमोराइड्स की वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा खून की कमी पैदा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता खून निकलता जाता है, कभी बहुत ज्यादा भी निकल जाता है, कभी कम। तो वो भी एक खून की कमी का मसला या अनिमिया का मसला वो बवासीर की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हो सकता है कि बड़ी आंत का कैंसर हो या कोई भी कैंसर है, जैसे जो निजामे निजाम के कैंसर हैं उनमें हो सकता है कि चुपके से कोई भी कैंसर आपके अंदर पल रहा है जिससे जो है वो ब्लीड कर रहा है, जिसमें से खून जाया हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत खून की कमी इंसान में पैदा हो जाती है। जैसे खवातीन है जिनका बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसमें ज़ाहिर आपको पता है कि जो बच्चे की जो पैदाइश है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो अक्सर जो आफ्टर जो बेबी की बर्थ के बाद जो खवातीन है उनमें खून की कमी इस वजह से ज़ाहिर होती है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो काफ़ी ब्लड ज़ाया हो जाता है। तो उनमें जो बेबी के बाद जो है, एक तो ज़ाहिर प्रेगनेंसी में भी ज़ाहिर है आपको पता है कि बेबी बहुत ज़्यादा माँ से आयरन ले लेता है और माँ के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बेबी ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद जो है डिलीवरी में भी ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो उसकी वजह से भी जो है माओ में देखने में आता है कि जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो अनिमिया की शिकायत हो जाती है। जो अब दूसरी कैटेगरी है उसमें यह है कि आपके जो ब्लड है वही फॉल्टी पैदा हो रहा है, यानी फॉल्टी से मुराद यह है कि आपका जो खून के सेल्स हैं, ठीक है, वो ही मतलब डिफेक्टेड हैं आप समझ लें, या उनमें कोई मसला है। तो एनीमिया की वजूहत हैं या खून की कमी की वजूहत हैं वो बात कर बचपन से होती हैं, यानी एक पैदाइश के वक्त से उस बच्चे में वो मसले होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया होते हैं, इनमें तो खून की कमी ज़ाहिर है उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे और उस वजह से हम देखते हैं कि वो अनिमिया जो है ऐसे लोगों में हमेशा से ही वो साथ साथ चल रहा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, जी ठीक है। अच्छा, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, खून की कमी की वजह आयरन की कमी, ठीक है, तो ये तो सबसे मोस्ट कॉमन वजह है और इसकी वजह क्या है कि आप आयरन बॉडी में लेते नहीं हो ज्यादा, ठीक है, लड़कियां जो डाइट करती हैं उनमें ये वजह हो सकती है, या वैसे आप केयरलेस हैं अपनी डाइट के लिए तो भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, यानी आयरन की कमी की वजह से, फोलाद की कमी की वजह से आप में जो है हो सकता है कि खून की कमी पैदा हो रही है। जो होती है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है, अब B12 डेफिशिएंसी को भी अक्सर नहीं ध्यान दिया जाता और लेकिन ये भी वजह होती है आपकी आयरन की कमी की वजह के लिए, मतलब आपकी खून की कमी के लिए, ठीक है, उसकी वजह B12 डेफिशिएंसी। रीजंस क्या, अब हम देखते हैं इसके अलामात क्या है। अलामात सबसे पहले ये है कि आपकी जो स्किन है वो पेल नजर आएगी, ठीक है, पेल से मुराद ये है कि भाई वो पीलाहट सी उसमें होगी, ठीक है। अच्छा, फिर बालों का जो कलर है वो भद्दा सा हो जाता है, रंग भद्दी से मतलब इतना रोशन नजर नहीं आती, ठीक है, और आपके जो नाखून है वो भी ब्रिटल जिन्हें कहते हैं भुरभुरे हो जाते हैं, भद्दे रंग के हो जाते हैं, ठीक है, और पाम ऑफ जो है वो बिल्कुल आपकी जो है वो ये पीलाहट उनमें नजर आ बंदे में नजर आने लगता है, वो लेथार्जिक रहना मतलब वो थका रहना, बस वो कभी इधर पड़ना कभी उधर पड़ना ये उसमें नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक्सट्रीम केस में जब ये एनीमिया बढ़ जाता है तो वो दिल की धड़कन को अफेक्ट करने लगता है, आपको लगता है दिल की धड़कन तेज हो गई है या इस तरह, या फिर ज्यादा बढ़ जाए तो ये दिल की जो एक मतलब साइज है उसको भी ये एनीमिया जो है अफेक्ट कर देता है, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम केस में होगा, ठीक है। और ज्यादा यही है कि मोस्ट कॉमन जो वजह है वो डाइटरी डेफिशिएंसी है, यानी जो आपकी डाइट सही नहीं है उसकी वजह से एनीमियाज हो रहे हैं, तो आप पहले उसको कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, अब डाइट जिसमें आयरन होती है या जिसमें विटामिन B12 है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो लें, ठीक है। अब वो इसमें डाइट में देख लें, जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, पहले पहले वो देख लेते हैं, टोमेटोज हैं, अच्छा फिर पालक हो गई, ठीक, गोश्त है, ठीक है जी, अब गोश्त लें, कीमे की फॉर्म में ले लें या कलेजी वगैरह वो आप खा सकते हैं, और इसके अलावा चीज है डिफरेंट, ये है कि आयरन,
सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन जो है ना वो चेक करते हो, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अलावा आप आपने ना दूसरे नंबर पे होता है फेरेटिन, एक उसे कहते हैं, वो होते हैं आयरन स्टोर्स आपकी बॉडी में, वो भी डॉक्टर को वैसे चेक करना चाहिए पर रियली वो चेक नहीं किए जाते, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी कितने स्टोर्स हैं। अगर ज्यादा स्टोर हैं तो फिर हमें बाहर से बहुत ज्यादा आयरन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो बॉडी ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, B12 लेवल भी जो है ना वो भी चेक करने चाहिए, विटामिन B12 लेवल, जो कि अक्सर नहीं किए जाते। अच्छा, विटामिन B12 ये है कि अक्सर अगर वो कम है तो जरा उसकी वजह, आयरन बेशक ठीक है, B12 कम है तो उसकी वजह से भी जो है ना आपके सेल्स नहीं सही बनेंगे, तो आपको B12 भी लेने की जरूरत है फिर। तो आई होप यू लाइक इट, एंड इस जो है वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।